रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाले ऊंचे थे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सिंह पर सवार होकर जब माता रानी आती है सबके हृदय में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शेर पर सवार है मेरी मैया शेरों वाली, देखो सान माँ की है बड़ी निराली। माता के द्वार जो आते हैं बिना मांगे सारी खुशियाँ पाते हैं। हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं, माता के जयकारे के शोर से पता चलता है। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मतलब वीडियोस मैं डाल रही थी लेकिन अपनी ब्लॉगिंग नहीं डाल रही थी, मैं कुछ शादी की वीडियोस डाल रही थी और इस चक्कर में मेरा मतलब ब्लॉगिंग भी रह जाता था। मैं भी सोचती थी चलो अब नवरात्रि आएगी तो एक फिर नए सिरे से शुरू करूँगी। तो एक बार आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो नवरात्रि का पहला दिन है और बच्चे गए स्कूल, बच्चे काफ़ी फास्ट है। उन्होंने बोला कि मैं भी जो है व्रत रखूँगा और बिनी होली मैं भी व्रत रखूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो लोग स्कूल गए, उनको जो है मैंने बना के दिया था आलू सिंघाड़े का हलवा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सारी सब फैली हुई है, तो उनको सबको करके दे दिया था मैंने। अब भी फटाफट से मैं चल रही हूँ, सबसे पहले कान्हा को उठाऊँगी, उनको नहलाऊ धुलाऊँगी, उनको भोग लगाऊँगी, उसके बाद मैं नवरात्रि की पूजा की स्थापना की तैयारी करूँगी। कलश मतलब सजाना है गाय के गोबर से और पूजा पाठ करनी है और मतलब बहुत सारे काम करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी सबका कल्याण करें, मेरा भी करें, आपका भी करें। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाल तो मेरे अभी सूखे नहीं है लेकिन मैंने सोचा लपेट के इन्हें क्लचर लगा लूँ, बाद में फिर जो है कॉम करूँगी, अभी टाइम नहीं है। मंदिर की सफाई मैंने कल ही कर ली थी और मतलब प्रॉपर सफाई जो अच्छे से होती है, डीप क्लीनिंग मैंने कर ली थी। अब चल रही हूँ, सबसे पहले अभी जो है कान्हा को उठाऊँगी और एक बार मंदिर से कपड़ा लगाऊँगी, मतलब जो मॉर्निंग का डेली का होता है। तो वैसे सफाई हो गई है डीप क्लीनिंग वाली, तो चल रही हूँ कान्हा को उठाने, कान्हा को नहलाऊँगी धुलाऊँगी। बालों में मैंने कंघी भी नहीं की क्योंकि अभी पानी है बालों में और इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे सुखाऊँ। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिएगा और चलिए चलते हैं मंदिर में। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और मॉर्निंग का टाइम है और 8 बजे का टाइम है लगभग। और ये देखिए कान्हा सो रहे हैं, तो मैं इन्हें मतलब अभी चल रही हूँ उठाऊँगी, इनको जो है बिठा के इनका जो है मुंह धुला करके आचमन करके इन्हें कुछ खाने के लिए दे दूँगी, उसके बाद फिर मंदिर की साफ़ सफ़ाई होगी। एक्चुअली साफ़ सफ़ाई क्या करना है, साफ़ सफ़ाई मैंने कल शाम को डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन जो एक होता है ना कि जैसे हम नहाते हैं तो वैसे सारे देवी देवताओं की जितनी भी फ़ोटो होते हैं जो विग्रह होते हैं तो उन्हें नहलाया जाता है, लेकिन फ़ोटो को कपड़े से पोंछ देना चाहिए। सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में पहुँचो और पूजा शुरू कर दो। और मैंने ना एक टॉवल लपेट लिया था, पानी चूरा था मेरे बालों से, तो उसे फिर मैंने निकाल के हटाया। तो बस अब यहाँ पर साफ़ सफ़ाई सब हो गई है, बाहर मैं जल वगैरह सब चढ़ा लूँगी, उसके बाद फिर जो है पूजा पाठ करूँगी। और मतलब नवरात्रि के 9 दिन मैं जो है शीतला माता को भी जल चढ़ाती हूँ नीम के पेड़ में। तो सारे काम कर लेने के बाद मैं यहाँ पर ये देखिए कान्हा को मैंने स्नान करा दिया था और जो है यहाँ पर आज मैंने इन्हें रेड कलर के जो है कपड़े पहनाए थे। इसकी टोपी अभी सूखी नहीं थी इसलिए मैंने अलग से जो है मुकुट लगा दिया था। तो बस यहाँ पर कान्हा नहा धो चुके हैं, अब इनकी पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद जो नवरात्रि की है उसकी तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मतलब मंदिर में कान्हा की ही पूजा होती है, कान्हा क्योंकि बाल स्वरूप हैं, सबसे पहले बच्चों का ही काम होता है। तो यहाँ पर कान्हा का जो है पूजा पाठ कर लेने के बाद में मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब नवरात्रि की तैयारी करूँगी। तो तैयारी में क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये मिट्टी का कलश है ना, इसी गाय के गोबर से जो है सजाना है, गोठना है। तो गाय के गोबर से ही गोठा जाता है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ये सब चीज़ें करने में, लेकिन फिलहाल अब तो धीरे धीरे आदत सी पड़ गई है। बहुत लोग होते हैं ना कि गोबर छूने से जो है घिन उन्हें आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय में कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय के गोबर में कुछ तो खास है जो पूजा में इसे पहला स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है कलश मेरा सब काम हो गया था, पंडित जी भी आ चुके थे,
पंडित जी अपना जो है मतलब स्थापना वगैरह करा करके और जो है अपना पाठ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग अपनी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने और वीडियो कैप्चर नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मैंने मतलब ट्राइपॉड में लगाया नहीं था और बच्चे स्कूल गए हैं, कोई था नहीं करने वाला, तो इस वजह से और बाकी की पूजा मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, मैं नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर जो है स्थापना वगैरह हो गई, उसके बाद फिर अपने हिसाब से हम लोग अपनी पूजा करेंगे, पंडित जी 9 दिन का पाठ करेंगे। कितना अच्छा लगता है ना, पूरे शरीर में मतलब एक रोमांच सा रहता है, नवरात्रि आते ही एक उमंग सी रहती है, मन फ्रेश रहता है, बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है चारों तरफ कि हाँ एक मतलब लगता है ना कि माता जी का दिन है। तो यहाँ पर हमारी पूजा पाठ सारी हो चुकी है, फटाफट से चलूँगी किचन में, मतलब हस्बैंड वैसे इतनी टाइम ज़्यादा कुछ खाते नहीं लेकिन कुछ तो चाहिए कि चाय के साथ में, और पंडित जी भी हैं उन्हें भी कुछ खिला करके जो है उसके बाद इनकी विदाई करनी होती है। तो डेली पंडित जी जब आएंगे ना मॉर्निंग में तो मतलब पाठ करेंगे, उसके बाद उन्हें चाय पानी करा देती हूँ, फिर वो चले जाते हैं। सो गाइस मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है और जो है ना अब चल रही हूँ फटाफट से कुछ बना दूंगी, थोड़ा सा हस्बैंड खा के जाएंगे और बच्चे तो स्कूल ही गए हैं, मेरा भी फास्ट ही है 9 दिन का, मेरा हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों का, बाकी अम्मा का है, अम्मा के लिए इसके बाद खाना बनाऊंगी। और पूजा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शेयर की, मतलब कर ही नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला, शाम की मैं पूजा आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग को इन्जॉय करिएगा, बच्चे आएंगे 2:30 बजे तक। तो मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, आज हमारी किचन में जो है बन रहा है व्रत का, तो आलू ऐसे मैंने मॉर्निंग बनाई थी जो थोड़ी सी उसे मैंने खाली कर दी, यहाँ पर मैं दूसरी बनाऊंगी और हलवा बचा है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खाना के लिए बना रही हूँ क्योंकि मतलब उसमें से पहले से बच्चों को दे चुकी हूँ, साफ है, तो नए सिरे से नया बनाऊंगी तभी तो खाना को भूख लगेगा ना। तो यहाँ पर सिंघाड़े का हलवा बनाऊंगी, तो सिंघाड़े का हलवा बनाने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोगों की मतलब वो रहती है रिक्वेस्ट की बताइए कि कैसे लम्स ना पड़े कैसे बनाएं, तो कुछ नहीं, पहले बढ़िया से आटे को भून लें, उसके बाद गैस को ऑफ कर दें, अच्छे से वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बस नॉर्मल ठंडा हो जाए थोड़ा सा कि मतलब बस वो मतलब छूते बने, तो बस उसको जो है पानी डाल करके बढ़िया से उसका घोल बना लें, उसके बाद गैस पे चढ़ा दें और चीनी वगैरह जो भी डालना है तब उसको चलाना शुरू करें, तो एकदम लम्स फ्री हलवा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप उसे बर्फ़ी की तरह भी जमा सकते हैं, वैसे भी कटोरी में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में बहुत ही चिकना चिकना सा ट्रांसपेरेंट सा बनता है। एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आलू बना ली है और ये देखिए आप देख सकते हैं ये बढ़िया से मतलब मेरा आटा जो है मैंने भून के रखा था ना थोड़ी देर पहले ठंडा हो गया था, तो बस पानी डाला, घोल बनाया, चीनी डाल दी, गैस को ऑन कर दिया और बस बढ़िया से हमारा जो है हलवा जो है रेडी हो जाएगा। और ये व्रत का मसाला है, मैंने रात को ही जो है तैयार करके रख लिया था क्योंकि पूरे 9 दिन अब जो है हम लोगों को यही खाना है, आलू है तो या फिर आलू की टिक्की है या फिर सिंघाड़े के आटे की बना लूँगी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, बाकी और इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारा बन चुका है और ये देखिए कान्हा की जो है थाली रेडी है। आज हमारे कान्हा का भी फास्ट है, नवरात्रि का पहला और आखिरी, गुनी शरद ने भी रखा है तो कान्हा को भी मैंने रखा दिया है और अम्मा व्रत नहीं है, अम्मा के लिए मुझे भी बनाना है खाना। तो यहाँ पर मैंने आलू है, मूँगफली है और सिंघाड़े का हलवा है, तो चलिए कान्हा को भोग लगा लेती हूँ। तो गाइस कान्हा को मैंने भूख लगा दिया है, अब सबसे पहले मैं जो है पंडित जी को मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी चाय, चाय भी बन ही चुकी है और उसके बाद निकाल रही हूँ हस्बैंड की प्लेट लगा दे रही हूँ, वो थोड़ा सा ही खाएंगे, बाकी जो है ज़्यादा मतलब वो सही तरीके से रात को ही खाते हैं एक बार। तो बस यहाँ पर चाय जो है बन गई है, पहले जो है पंडित जी को दे आऊँगी उसके बाद फिर हम लोग भी खाए पियेंगे और अम्मा का खाना बनाना है, ये चले जाएँगे तो उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए पंडित जी खा रहे हैं, इनको चाय दे देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को भी भेज देती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ, ताज़ा पानी है, इसे गुनगुना करके जो है डालना है बॉटल में, गुनगुना पानी पीते हैं क्योंकि ठंडी से पी रहे थे तो आदत पड़ी हुई है ना, वैसे भी पीना भी चाहिए, सबको पीना चाहिए, मेरी तो मतलब 7 बज जाती है तो पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडा भी पी लेती हूँ, सब चल जाता है। तो यहाँ पर जो है बस पानी गर्म कर दूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं भी बीच में थोड़ा थोड़ा सा हलवा वगैरह खा के मैंने पानी सोचा पी लूँ क्योंकि ये देखिए 11 बज रहे हैं, तो सुबह 5 बजे से उठ के बच्चों को भेजना, बच्चों के लिए बना के उनको देना, उसके बाद पूजा की तैयारी करना, फिर से एक बार बनाना, फिर अभी खाना बनाना बाकी है, तो ये सब करते करते 11 बज ही जाता है। तो बस अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ वीडियो का ही। आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए कि मैं जिससे और भी अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ, नवरात्रि के और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, जय माता दी।